दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, यानी आप एक माइनर है, या फिर गाइज आप एक पेरेंट्स और अपने बच्चे का ऑनलाइन सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइज आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से घर बैठे बैंक ऑफ इंडिया में माइनर के लिए ऑनलाइन एक सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में माइनर के लिए सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है, और गाइज जैसे ही आपकी अकाउंट ओपन हो जाती है तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या बेनिफिट देती है। दोस्तों, अगर बेनिफिट के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है जिसमें माइनर ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में गई जो अकाउंट ओपन होगी ये अकाउंट जो है बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ ओपन होगी, यानी कि गाइज यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की बैलेंस मेंटेन करने की झंझट नहीं होती है, ना ही गाइज यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की चार्जेस देनी होती है। साथ में गाइज जैसे ही आपकी अकाउंट ओपन हो जाती है यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों, डेबिट कार्ड और चेकबुक जो है आपके एड्रेस पे होम डिलीवर्ड कर दिया जाता है, और गाइज जो पासबुक है उसे आप ब्रांच से ले सकते हैं। दोस्तों, ये सारी फैसिलिटी माइनर के लिए भी बैंक ऑफ इंडिया देती है। साथ में गाइज इस अकाउंट के साथ आपको RTGS NEFT पेमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है जिसका यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको चार्जेस नहीं देनी होती है। साथ में गाइज इस अकाउंट के साथ आपको SMS अलर्ट, ईमेल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इसके अलावा और भी काफी सारी बेनिफिट इस अकाउंट के साथ देखने को मिलती है जो कि आगे इस वीडियो में हमने आपको बताया है। अब गाइज हम बात करते हैं कि आप एक माइनर हैं, यानी आप किड्स हैं, स्टूडेंट हैं, यानी आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है, तो आप बैंक ऑफ इंडिया में आप किस प्रकार से एक सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में माइनर के लिए अकाउंट ओपन करने की जो प्रोसेस है उसको हमने कम्प्लीट स्टेप बाई स्टेप करके यहाँ पे बताया है, और गाइज लास्ट में मैंने अपना अकाउंट भी ओपन करके दिखाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहे, नहीं तो गाइज यहाँ पे एक भी स्टेप को मिस कीजिएगा तो आपको बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज चलिए वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में माइनर के लिए अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। दोस्तों, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जहां से आपको अपने अकाउंट को ओपन करने की जर्नी स्टार्ट होती है। यहां पे आने के बाद फाइनली गाइज यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी पर्सनल का। दोस्तों, यहां पे पर्सनल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे बैंक ऑफ इंडिया की काफी टाइप की ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। गाइज यहां पे फर्स्ट नंबर पे एक डिपोजिट की ऑप्शन मिलेगी, और गाइज यहां पे सेकेंड नंबर पे एक सेविंग की ऑप्शन मिलेगी। दोस्तों, सेविंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे बैंक ऑफ इंडिया जितने भी प्रकार की सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करती है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्टार UI अकाउंट, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया स्टार महिला सेविंग अकाउंट। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की काफी बड़ी बड़ी वाली अकाउंट है जिसमें आपको बैलेंस मेंटेन करनी होती है। दोस्तों, हमें ऐसा अकाउंट ओपन करना है जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम है, वे लोग इस अकाउंट को ओपन कर लें। साथ में गाइज यहाँ पे जो अकाउंट ओपन होगी वे बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ ओपन हो, तो उसके लिए गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया जो है माइनर के लिए स्पेशल इसी अकाउंट को बनाया है जो कि यहाँ पे माइनर जो है बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं, और गाइज ये अकाउंट में आपको बैलेंस मेंटेन करने की झंझट नहीं होती है, ना ही गाइज यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की चार्जेस देनी होती है। तो फाइनली गाइज आप जो है सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट से रिलेटेड जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। फाइनली गाइज आप जो है इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कीम अवेलेबल के बारे में बताया गया है कि एट ऑल ब्रांचेज में इसका स्कीम जो है उपलब्ध है। साथ में गाइज यहाँ पे एलिजिबल के बारे में बताया गया है कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे गाइज एलिजिबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप जो है माइनर हैं, अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है, आपकी गिनती जो है स्टूडेंट में होती है या फिर चाइल्ड में होती है, तो गाइज आप जो है इस अकाउंट को बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। साथ में गाइज यहाँ पे आपको इनिशियल डिपॉजिट के बारे में बताया गया है कि अगर आप जो है अपने अकाउंट में चेकबुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपया डिपॉजिट करना होगा। दोस्तों, चेकबुक की एक लिमिट होती है जो बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, अगर गाइज आप जो है उससे ज्यादा चेकबुक यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस देनी होती है। साथ में गाइज यहाँ पे चार्जेज और नॉन मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप जो है रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया से हैं तो आपको अपनी अकाउंट में जो है 500 रुपया मेंटेन करनी होगी। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है अपनी अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपया पर क्वार्टर के हिसाब से चार्जेज काटी जाएगी,
यहाँ पे गाइज चार्जेस के बारे में बताई गई है। फाइनली गाइज आप चाहें तो इसे रीडिंग करके यहाँ पे सब चीजें समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको अपनी अकाउंट के साथ फ्यूचर्स देखने को मिल जाती है। इस अकाउंट के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगी, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, आप जो है इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, जो कि गाइज मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन की ऑप्शन मिल जाती है। साथ में गाइज यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। साथ में गाइज यहाँ पे आपको पर्सनलाइज चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। और साथ में गाइज इस अकाउंट के साथ आपको फ्री यूटिलिटी बिल पेमेंट्स की फैसिलिटी मिल जाती है। और गाइज यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं, आपको अपनी अकाउंट के साथ यहाँ पे नॉमिनी भी ऐड करने की फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताया गया है, गाइज यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बता देते हैं कि अगर आप एक माइनर हैं या फिर किड्स हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है, तो गाइज यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट जो है एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी। साथ में गाइज यहाँ पे पासपोर्ट साइज दो पीस कलरफुल फोटो लगेगी। और गाइज आप अपनी एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपने पेरेंट्स की आधार कार्ड और पैन कार्ड दे सकते हैं। यानी कि गाइज साफ तौर पे मैं आपसे बताऊं तो यहाँ पे आपकी जो अकाउंट ओपन होगी वे आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ओपन होगी। अब गाइज हम बात करते हैं कि आप इस अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, हम जो है बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं, जहाँ पे माइनर की अकाउंट की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, हम जो है पूरी वेबसाइट को खंगाल रखे, लेकिन गाइज यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। यानी कि दोस्तों मैं आपको साफ तौर पे बताऊं तो बैंक ऑफ इंडिया में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। बट गाइज वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके आप जो है ऑनलाइन तो अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं, लेकिन गाइज ऑफलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो टाइम वेस्ट होगी उस टाइम को आप बचा सकते हैं। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आप जो है ऑफलाइन की मदद से ही आप जो है ऑनलाइन इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि यहाँ पे आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए, क्योंकि गाइज यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको देखने को मिल जा रहे होंगे, जिसमें गाइज बताया जा रहा होगा कि बैंक ऑफ इंडिया में आप जो है माइनर के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों वहां पे आपको प्रोसेस भी करके दिखाया जा रहा होगा, बट गाइज आप उस प्रोसेस को जैसे ही करेंगे और लास्ट वाले स्टेप में जाएंगे, वहां पे आपकी अकाउंट जो है ओपन नहीं होगी, जिसके कारण आपके मन में काफी सारी पैनिक क्रिएट होगी। दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना यहां पे आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि आप बैंक ऑफ इंडिया में माइनर के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों माइनर के लिए क्या, यहाँ पे आप जो है मेजर के लिए भी बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे मैं आपको एक प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिस प्रोसेस को आप फॉलो करके बहुत ही आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और गाइज वहाँ पे आप टाइप करेंगे बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डाउनलोड। दोस्तों आप जैसे ही लिख करके यहाँ पे सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगी। गाइज यहाँ पे आपको एक फर्स्ट नंबर पे ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पीडीएफ। दोस्तों आप जैसे ही इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है फाइनली गाइज यहाँ पे डाउनलोड होने लगती है। अब गाइज यहाँ पे आपको इस फॉर्म को कम्प्लीट फिल करना है। जैसे गाइज यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच की नेम फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सीरियल नंबर फिल करना है, यहाँ पे आपको डेट फिल करना है, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको अपने फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपनी मिडिल नेम फिल करना है, उसके बाद से गाइज यहाँ पे आपको अपनी लास्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे गाइज आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, साथ में गाइज यहाँ पे आपको अपनी मैरिटल स्टेटस बताना है कि यहाँ पे आपकी शादी हो गई है या फिर गाइज आप अनमैरिड है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप एक माइनर हैं यानी आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है, या फिर गाइज आप एक किड्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप जो है माइनर वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। देखिए गाइज यहाँ पे बताया गया है कि नेम ऑफ गार्जियन, यानी कि गाइज यहाँ पे आप एक माइनर हैं तो यहाँ पे आपको अपने गार्जियन की नेम फिल करना है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच प्रूफ फॉर माइनर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि गाइज यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद से गाइज आपको इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करके और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज में ले जाकर के सबमिट कर देना है। साथ में गाइज आपको अपने पेरेंट्स को भी लेकर के जाना है, क्योंकि गाइज वहाँ पे उनकी भी सिग्नेचर लगेगी। वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के जो भी एग्जीक्यूटिव हैं वे आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, आपकी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और वहाँ पे आपकी अकाउंट जो है सक्सेसफुल ओपन कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आपकी अकाउंट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको एक वेलकम किट मिलेगी। और गाइज बैंक ऑफ इंडिया अपने माइनर कस्टमर के लिए जितनी सारी फैसिलिटी रखी होगी, ये सारी फैसिलिटी आपको जो है वेलकम किट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब गाइज आपके अंदर एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये जो है ऑनलाइन कैसे हुआ,
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ब्रांच में जाकर के लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी गाइज, यहाँ पे ब्रांच से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और गाइज यहाँ पे आपको ब्रांच में धक्के खखा के यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करने की जरूरत नहीं है गाइज, आप जो है सब चीजें अपने घर से करके जाएंगे। और गाइज वहाँ पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, आपकी अकाउंट जो है सक्सेसफुल ओपन हो जाती है। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप माइनर हैं या फिर मेजर हैं, अकाउंट ओपन करने के लिए फाइनली गाइज यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और इस पे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं।